मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और पंखे की आवाज़ है इसलिए थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम होगी। सो आज है ट्यूसडे, बहुत दिन बाद व्लॉग कर रही हूँ। बहुत दिन क्या, सैटरडे को किया था सरोजनी में, उसके बाद आज कर रही हूँ। और अभी सबका मतलब एम ऑफिस भेजा है, इंशु को स्कूल भेजा है, रेडी वगैरह करके सुबह का शुरू नहीं कर पाती क्योंकि बहुत बिजी होती हूँ। 8:15 बजे हैं और अभी मैं अपनी किचन की हालत दिखाती हूँ आपको कैसी हो रखी है। और अभी तक अन्नू भी नहीं आई और पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, फिर तो मैं बिल्कुल परेशान। की हालत कुछ इस तरीके की है, बर्तन देखो। तो अभी इसको क्लीन करूँगी, देखती हूँ इतनी आ ही जाएगी वरना खुद लगूँगी फिर, क्योंकि मेरे को मंदिर भी जाना है, सावन चल रहे हैं तो हम जाते हैं। मैं आंटी जी, मेरा कल का फास्ट भी था मंडे का, सो फटाफट काम करके निकलते हैं क्या, नहाते हैं और फिर मंदिर जाते हैं। सो गाइस आ गई है अन्नू, टेंशन ख़त्म हुई और ऊपर का कर भी गई हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं शूट नहीं करूँगी उसको कभी भी, अगर वो कंफर्टेबल होगी तभी करूँगी। तो मैं नहाने जा रही हूँ, अभी 9 बज रहे हैं, मंदिर जाना है। और मैं आज पहनूँगी ये वाला सूट जो मेरी रील्स में भी देखा है आपने बहुत बार। तो जल्दी से फटाफट नहा के मंदिर होके आते, कुछ खाते हैं क्योंकि भूख लग रही है। खैर मुझे ऐसा बार बार बोलना तो नहीं चाहिए, भूख लग रही है, फिर फास्ट करने का मतलब ही क्या था, फ़ायदा ही क्या था। बट मेरे को आज सच में लग रही है क्योंकि बहुत दिन बाद फास्ट किया इसलिए। सो मिलते हैं नहा के, रेडी हो के। सो गाइस आई एम रेडी, कुछ भी नहीं किया, सनस्क्रीन लगाई है, हल्की सी लिपस्टिक बिंदी, बस ये किया है मैंने। और ये सूट तो आप जो इंस्टाग्राम से यहाँ पे आए उन्होंने देख ही रखा होगा रील्स में। बाकी मैंने कल मंगाया था मामाअर्थ का न्यू परफ्यूम, ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम कैसे, और मुझे सुबह सुबह लग भी गई। देखो ये वाला मैंने देखा था मामाअर्थ से बहुत दिन से, सो दैट एमी ने मंगवाया मेरे लिए, थैंक यू। सो चलते हैं मंदिर। और मैं फ़ोन नहीं लेके जा रही, यहीं पे रख के जा रही हूँ। फ़ोन लेके जाऊँगी तो एक हाथ में थाली एक हाथ में लोटा, सो सब कुछ गिरा दूँगी, पहले मैं मेरे साथ हो चुका। सो मैं अभी आपको वापस आके मिलती हूँ, ओके। और इसकी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस बहुत ही नेचुरल सी है, बहुत ही लाइट है, मतलब अच्छी है, जैसे मामाअर्थ के प्रोडक्ट में आती है फ्रेग्रेंस लाइक नेचुरल सी, तो वही वाली है नेचुरल सी फ्रेग्रेंस, ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है और ज़्यादा लाइट भी नहीं है, ठीक ठाक है। तो अभी देखते हैं कितना लॉन्ग लास्टिंग है। और यस बाय बाय, आई एम बैक। 9:30 बज रहे हैं, आंटी जी गई नहीं, अकेले गई थी मैं और भीड़ भी नहीं थी, तो मैं जल्दी आ गई। फटाफट से मैं कर लेती हूँ अपने कपड़े चेंज, इन कपड़ों में पूरे दिन नहीं रह सकती मैं। सो नॉर्मल से कुर्ता या लोअर टी शर्ट पहन के फिर मिलती हूँ। चेंज कर लिए कपड़े मैंने, ये पैंट का कुर्ता डाला है लूज़ सा। सो अभी कुछ खाते हैं। गाइस ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, कोल्ड कॉफ़ी। आजकल पता नहीं क्या चस्का चढ़ा हुआ है मेरे को, रैम को कोल्ड कॉफ़ी पीते रोज। और 2 ब्रेड हल्के हल्का बटर लगा के सेक के तवे पे, और 2 बादाम। बादाम मैं लेती नहीं हूँ बट मैं ले रही हूँ 2 दिन से, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया है कि बादाम सुबह सुबह तो लिया करो क्योंकि अभी मेरा मिसकैरेज हुआ है ना, तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, तो इसलिए मैं 2 बादाम भी ऐड कर रही हूँ। करते हैं ब्रेकफास्ट। सो गाइस 12:30 बज रहे हैं, मैंने व्लॉग एडिट कर किया है होल वीडियो वाला, तो वो शायद इस वीडियो से पहले ही जाएगा। और हम सरदार से ना ये नेल पेंट लेके आए थे, देखो इतनी घटिया नेल पेंट है, मतलब सूख ही नहीं रही, 1 घंटा हो गया लगाए, अभी भी हाथ लगाते ही निकल रही है। ये 5 रुपीज़ की थी और ये रखा है नेल पेंट का हाल। सो इंशु आ गई है, इंशु को ला के खाना खिलाएंगे। ये कपड़े मैंने इसको निकाल दिए फ्रॉक, सो नहा देते हैं उसको, आएगी ऊपर तब शूट करूँगी।
हाय हाय, मुझे आपकी याद आई। अरे अरे गुड गर्ल, क्यों निकाल रहे हो मेरी बच्चू? बहुत ही गुड गर्ल है, आते अपने शूज देखो खुद निकालती है। मिला दूं? अभी नहीं, चिप चिप हो रहा है। आते के साथ नहीं, इधर आओ, पहले कपड़े चेंज करो ना, खाना खाओ उसके बाद ना। हेलो हेलो, इंशु अपना टैब देख लिया, देख रही है और इसके साथ कह रही थी ये डांसिंग कैक्टस है इसके साथ, बट ये चार्ज खत्म हो गया इसमें। अब इंशु के लंच करा देती हूँ और मैं भी कर लेती हूँ, भूख लग रही है। दही, ये मेरा दही है इंशु का, ये आलू में इसी में डाला है सब्जी में, इंशु ऐसे ही खाती रोटी और मैं अपने लिए से सब्जी दो रोटी। करते हैं लंच स्टार्ट, भूख लग रही है और मैं पता नहीं क्या अजीब सा जी घबरा रहा है मेरा। लंच हो गया गाइस, और आपको भी मैं नेल पेंट दिखाई देना, सदर की मैंने लगाई थी, देखो हालत देखो अभी। सिर्फ मैंने इंशु को नहलाया है और कुछ भी नहीं किया और नेल पेंट गायब भी हो गई, तो वही है, सस्ते माल पे कोई भरोसा मत करना। तो मैं अभी ये दूसरी नेल पेंट लगाऊंगी जो मेरी NY की है, जो मैंने पैरों पे लगा रखी है, ये मुझे 1 month से ऊपर हो गया और ये ऐसी कैसी है। एक मिनट, तो मैं दिखाती हूँ पहले मैं सदर से क्या क्या लेके आई थी। ओके, मैं लेके आई थी पहले तो ये रबड़, ये रबड़ के पैकेट थे 12-30 रुपए के, तो ये तो मैंने डब्बी में डाल दिए और बाकी पैकेट जो आते 10-10 रुपए वाले वो 30 रुपए के 12 मिले थे वहाँ पे। सो ये रबड़ बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाले रबड़ जो 10 के 2 मिलते हैं मार्केट में, वो मुझे मिले हैं वहाँ पे 30 रुपए का पूरा डब्बा। मैंने 2 डब्बे लिए थे, 2 रोज ने लिए। बेटा हाथ में लग जाएगा, हाथ में लग जाएगा, हाथ में लग जाएगा। और जो ये नेल पेंट मैंने अभी लगाई थी 5 रुपए की, ऐसी मैंने 2 और लिए, शायद इंशु के बैग में रखी है। हाँ शायद इसमें रखी है, हाँ मतलब ऐसी है, ग्रे ग्रे सा कलर है एक का, तो ठीक है। नहीं 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 खोलो नहीं, ठीक है। इसके अलावा मैंने ली थी चूड़ियाँ, ये 100 की 3 थी, तो एक रोज़ ने ले गई अपनी मम्मी के लिए, 2 मैंने ली थी। ये अच्छी हैं चूड़ियाँ, भी काफ़ी अच्छी हैं। बस ये चीज़ लेके आया था मैं सदर से, बस कुछ नहीं लेके आया। ये भी लेके आई थी डोम्स के, 20 रुपीज़ का मुझे ये पैकेट मिला था, ठीक है। 20 रेजर है इसमें और 20 का ही मुझे ये मिला था, नहीं 10 का ये मिला था, 20 का ये मिला था। रुको बेटा, सो इस पे प्राइस लिखा हुआ है 40, फिर मुझे मिला था ए पप्पा 40 का है ना, ये मुझे 20 का मिला था और ये वाला मुझे 10 रुपीज़ का मिला था। ओके, क्योंकि इंशु के स्टेशनरी वैसे तो स्कूल में देते हैं बट घर के लिए वो नहीं देते, जो घर के लिए होमवर्क देते हैं ना वो नहीं देते, इसलिए मैं ही लेके आई हूँ। इसका यही है। सो गाइस अभी 1:15 बज गए, बस कुछ नहीं करेंगे अब, दूध पिला के इसको मैं सुला दूंगी, ठीक है। कपड़े हैं थोड़े बहुत, ये मैं तेल लगा देती हूँ, उसके बाद मिलते हैं शाम को। क्या कर रहे हो? हे गाइस, 5 बज गए हैं, बजने वाले हैं 4:30 बजे। उठी थी मैं, इंशु भी साथ ही उठ गई थी मेरी, पता नहीं क्यों उठी, जब से गले में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सो अभी मैं पपीता कट करके लेके आई हूँ अपने लिए और इंशु के लिए बनाना है, और बहुत तेज सर्दी सी भी लग रही है, देखो मेरे रो मतलब गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? पता नहीं क्या हो रहा है, फैन ऑन करके इसी को मैंने बंद कर रखा तब भी, और ग्रीन टी लेके आई हूँ तो ये ठीक से नहीं लग रही थोड़ी, तो मेरी बिंदी मिल गई, सॉरी उठ गई थी, ठीक है। इसको बनाना खिलाऊंगी, कुछ पपाया खाएगी तो थोड़ा पपाया खा लेगी, मैं ग्रीन टी पीऊंगी ताकि थोड़ा सा आराम मिले, गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और इंशु का होमवर्क करवाऊंगी, देख आपको दिखाती हूँ क्या देती हूँ कि मैडम। बाहर का मौसम बारिश का हो रहा है, हल्की हल्की धूप है,
बट देखो ये बारिश आएगी नहीं आएगी, आई होप सो आ जाए। गर्मी बहुत तेज हो रही है, गले में दर्द बढ़ता जा रहा है यार। इंशु का होमवर्क कराते हैं, इंशु की चोटी कर दी है। आधे बाल आते हैं फ्रेंच में, आधे नहीं आते, तो मैंने इस तरीके से कर दिया ऊपर। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, बट ठीक है घर में रहना है इसको, कहीं जाना थोड़ी। बट पीछे से तो बहुत प्यारी हो गई, सारे बाल कवर अप हो गए। कोशिश करूँगी आगे से भी, ट्राई करूँगी कभी, आज तो नहीं। अब इंशु का होमवर्क करा लेते हैं। चलो बेबी होमवर्क करो, होमवर्क करो, डू कंप्लीट। आपकी टीचर ने डाल के दिया है, इंशु की टीचर ने स्लीपिंग लाइन, ये 16 तारीख को दिया था बट गलती मेरी है, मैंने देखा ही नहीं। और देखा तो इसने किया नहीं, सुबह करा रही थी बट इसने किया नहीं। मैंने मुझे मैं जब नोट करती हूँ तब तो मतलब देखती हूँ तब दिया नहीं होता, सिर्फ CW होता है। तुम देखो अब 14 तारीख के बाद को ही वर्क करा रखा है, बस पहले कराएंगे तो मुझे क्या पता, तो मैंने देखा नहीं। तो अब ये देर का भी इसको करा देते हैं फटाफट से, 5:30 बज के। वैसे तो कुछ काम नहीं, रोटी रोटी बनानी है, सुबह की पड़ी हुई है। बादल तो एक नंबर हो गए, मतलब बहुत ही अच्छा सा वेदर हो गया, बट बारिश में कुछ नहीं हो। देखो बिल्कुल बादल काले हो रखे हैं, मैं वेट कर रही हूँ बारिश आने का। खैर मुझे खाना बनाना है, रोटी बनानी है, 6:30 बज रहे हैं, थोड़ी देर में बनाऊँगी। पसीने आ रहे हैं क्योंकि बाहर की झाड़ू निकाली हुई छत की, मुझे लगा बारिश हो जाएगी तो गीला गीला हो जाएगा, इसलिए मैंने झाड़ू निकाल दी है। इंशु को थोड़ा सा लर्निंग कराई थी, उसमें टाइम लग गया। बैठिए महारानी जी, हमारी महारानी व्लॉग बना लो। ये गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल कर लो। अच्छा आपने क्या सीखा आज, ये तो बता दूं, आपकी टीचर ने क्या सिखाया आपको? बोला करो इंशु, आप तो गंदे बेबी बन गए, बोला करो ना। हेलो कर दो, हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तो कर दो, प्लीज प्लीज। मैं तो नेल पेंट लगा रही हूँ, मैं तो नेल पेंट लगाऊंगी, नेल पेंट, और उसको नहीं लगाऊंगी। मंकी और इसको देखो, नहीं छू ऐसे मत बुलाओ, आज वो आ जाएगा, जल्दी आ जाओ, खा जाएगा आपको। तो गाइस खाना बन गया और मेरे को थोड़ी भूख लगी, इसलिए मैं ब्रेड पे पिज़्ज़ा सॉस थोड़ी देर, क्या 20-30 सेकंड तक ओवन में, मतलब माइक्रोवेव में इस तरीके से भी टाइट है, और ऐसा कोई लग होने का चांसेस भी नहीं है। ऐसे ही काटू अंदर करी मैंने। सो गाइज यही था आज का दिन, सिंपल सा जो रोज होता है। बट मैं आपको बताना भूल गई एक बात, सुबह सुबह क्या हुआ, हमारी गैस की जो पाइप है वो उसमें से आ रही, कच्ची रसोई में से, जिस चूल्हे की साइड में से, और मेरा उससे पता नहीं कैसे उसने गैस पकड़ ली, कैसे नहीं, और मेरा हाथ जल गया। दिख रहा है फोकस, मेरा हाथ जल गया। इसको थोड़ा स्लीव और ऊपर करना, इंशु स्लीव को ऊपर करना, पापा मम्मा की को, अरे ये बाजू ऊपर कर दो, मम्मा की बाजू ऊपर कर दो, और ऊपर करो, और ऊपर करो थोड़ा सा, और गाइस और भी चल रहा है, देखो फोकस फोकस फोकस, देखो ये सारा सुबह सुबह चल गया। बट वो ही था, मैं फिर व्लॉग बना रही थी, मैं ध्यान नहीं रहा था, बट अब तो नहा के आई हूँ ना तो ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं कोकोनट ऑयल लगाऊंगी इस पर, मैंने सुबह भी लगाया था कोकोनट ऑयल, और इंशु को नला दिया है, इंशु के पापा ने, एमी ने नला दिया इंशु को, और हैंड वॉश नहीं किया, वैसे मैंने वैसे ही ओपन कर दिया क्योंकि रात को ना चोटी करके जब सोते हैं तो मुझे ही नींद नहीं आती, सो मैं ये सोचती हूँ इसको भी नहीं आती होगी। वैसे मैं ना इसके पूरे बाल, रुक जाओ इंशु, पूरे बाल ना बांध के ही सुलाती थी इसको,
बट आज मैंने आज क्या दो तीन दिन से मैं खोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगा इसको नींद नहीं आती होगी सो दैट तो एमी ना आ रहे हैं अभी है डिनर हो गया सब कुछ हो गया सो यही था आज इस व्लॉग में सो इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को अरे बेटा टीथ दिखा दिया क्या दिखा दिया टीथ हाय मी आई इंशु इतने हाय गाइस कम बैक टू माय चैनल ये इसका ये है इसका दिन तो मम्मा अभी बाथरूम में गई है तो मम्मा अपने ब्लॉग बना रही है तो अभी हम टेस्ट कर ले हाँ बोले यहाँ रख के बना लो हाय गाइस कम बैक टू माय चैनल तो यही है ये आज का ब्लॉग तो मम्मा आ चुकी है और वैसे मम्मा को कमर ने काटा है देखो का रिमोट है तो ये मन चाचू ने बनाया है तब तक ये पानी में मिला के और इसको ना डाल के हाँ ये चीज आपको फिर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना शेयर भी कर देना ठीक है सरप्राइज कर देना वीडियो लाइक बाय बाय बाय